questions on fractions. So, dear students, first you know what is fractions. Fractions क्या है, हम देखेंगे कि fraction किसे कहते हैं. Suppose there is one cake. Okay? तो अब इस cake को हमें दो equal part में divide करना है. दो व्यक्ति को हमें इस cake को देना है. तो दो व्यक्ति को same देना है हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके दो पार्ट करेंगे, है ना. वी हैव टू मेक टू इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस केक. तो अभी हमने जो दो पार्ट किए, तो यहाँ पे हम किस प्रकार से इसे लिखेंगे, एक केक के हमने टू पार्ट्स किए, तो वन आ जाएगा हमारा ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और टू जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा. तो हम वन को क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, और टू को हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर. तो इसको मैंने शॉर्ट में अभी लिखी हूँ, न्यूमरेटर को एन से डिनोट कर रहे हम और डिनोमिनेटर को टू से डिनोट कर रहे हैं. ओके, तो इस प्रकार से हमने टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड किए. तो ये जो वन अपॉन टू आया हमारा, ये वन अपॉन टू जो है दैट इज अ फ्रैक्शन. ओके, वन अपॉन टू जो हमने यहाँ पे लिखे है, ये इसे हम क्या कहेंगे, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कभी भी होल ऑब्जेक्ट को जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तभी उसे हम कहेंगे फ्रैक्शंस. ठीक है, अभी ये जो हमने एक केक के दो इक्वल पार्ट किए थे, अभी इसी को हमें, इसी केक को हमें फोर पर्सन में इक्वली डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, इसके अगेन हम टू पार्ट्स करेंगे, राइट. तो ये हमने अभी और टू पार्ट्स कर दिए इसके. तो हमने किसके किए, एक केक के फोर पार्ट्स किए, फोर इक्वल पार्ट्स किए. तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, बाय वन बाय फोर. वी हैव टू डिनोट इट बाय वन बाय फोर. ओके, तो इस प्रकार से जो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा वो आएगा आपका ऊपर में, और जितने पार्ट में हम उसको डिवाइड करेंगे वो हमारा आएगा डिनोमिनेटर में. तो ये चीज आपको याद रखना है. ठीक है, अगर आप इसके और भी पार्ट करते हो तो फिर वो फिर से ऊपर वन ही आएगा, और जितने आपने पार्ट में उसको डिवाइड किए वो आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर. ठीक है, तो अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम फ्रैक्शंस किसे कहते हैं. ओके, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने के पहले हम एक चीज और देख लेंगे. अब सपोज इट इज अ ट्रायंगल, राइट, ये ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल को के हमने कितने पार्ट किए, थ्री पार्ट किए, वन टू एंड थ्री. ठीक है, अब ये वन पार्ट है हमारा शेड है, तो हमने हम इसको वन बाय थ्री लिख सकते क्या, इस ट्रायंगल को हम वन बाय थ्री लिख सकते क्या, नो. क्यों नहीं लिख सकते हम इसको वन बाय थ्री, बिकॉज यहाँ पे थ्री इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड नहीं है. ठीक है, तो ये भी आपको देखना है कि ये ट्रायंगल को तो हमने तीन भागों में डिवाइड किए, बट थ्री इक्वल पार्ट्स है कि यहाँ पे नहीं है, तो हम इसे फ्रैक्शंस कह सकते क्या, नो, वी कांट से इट इज अ फ्रैक्शन. तो ये भी आपको बेटा ध्यान में रखना है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. What is types of fraction? तो types of fraction में हम देखेंगे, first है proper fraction. Proper fraction में हम किसे कहेंगे, जब numerator हमारा small रहेगा और denominator बड़ा रहेगा. ठीक है, one upon two, two upon three, three upon four and so on. तो इस प्रकार जब भी numerator छोटा रहेगा हमारा और denominator बड़ा रहेगा तो उसे हम कहेंगे proper fraction. ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन में हम बोलते हैं कि न्यूमरेटर, सो देयरफॉर यू हैव टू ऑलवेज रिमेम्बर इन अ प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा स्मॉल रहेगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन. अब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, तो जब हमारा डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, न्यूमरेटर बड़ा रहेगा और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा. ठीक है, यहाँ पे इसी को ही हम उल्टा कर देंगे, तो ये
जाएंगे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो हमने ऊपर लिखे थे, यही एग्जांपल्स को अगर हम उल्टा कर देंगे तो ये हमारे हो जाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ पे देखो सब जगह आपको न्यूमरेटर क्या दिख रहा है, ग्रेटर दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, और डिनोमिनेटर छोटा दिख रहा है, तो उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पर आप याद कैसे रखोगे कि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा रहेगा डिनोमिनेटर से, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। अब लाइक फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, तो जब भी डिनोमिनेटर हमारे सेम आएंगे, जैसे हमारा अपॉन टू है, थ्री अपॉन टू है, फोर अपॉन टू है, फाइव अपॉन टू, तो दीज ऑल आर लाइक फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर सेम। लाइक फ्रैक्शन में आपको ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर विल बी ऑलवेज सेम। ओके, देन नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, जिसके डिनोमिनेटर डिफरेंट आएंगे, वन अपॉन थ्री, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन सेवन एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको सभी डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है, डिफरेंट दिख रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस वी कॉल अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम बोलेंगे अनलाइक फ्रैक्शन, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे। देन है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किसे कहेंगे, जब हम जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज हमने यहाँ पे वन न्यूमरेटर को वन से मल्टीप्लाई कर दी और टू को भी वन से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे हमारा क्या आया, वन, यहाँ पे वन को टू से कर दी और टू को टू से कर दी, तो क्या आ गया हमारा टू अपॉन फोर। तो अब ये वन अपॉन टू का हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, टू अपॉन फोर, ठीक है। सेम नंबर से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, अभी हमको मान लो वन अपॉन टू का फिर से और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार करना है, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी क्या हो गया यहाँ पर, वन इंटू थ्री थ्री एंड टू इंटू थ्री सिक्स, तो वन अपॉन टू का अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, फिर से दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने क्या तैयार किया, थ्री बाय सिक्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू सेम है, जैसे वन बाय टू और टू बाय फोर, अगर हम टू बाय फोर को कैंसिल करते हैं तो हमें वैल्यू सेम मिलेगी, ऊपर टेबल टू में गया वन बार और फोर में गया टू बार। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि थ्री का टेबल थ्री में गया वन बार और सिक्स में गया टू बार, यानी वन अपॉन टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू ही हमें वापिस मिल रहा है, तो उसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि सेम नंबर से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके हम नया फ्रैक्शन इक्विवेलेंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। देन है हमारा नेक्स्ट है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जब होल नंबर के साथ फ्रैक्शन रहेगा, ठीक है, एक इंटीजर रहेगा इसमें और इंटीजर के साथ में हमें फ्रैक्शंस भी दिखाई देगा, तो उसे हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे टू थ्री बाय फोर, ये क्या हो गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। फिर वन थ्री बाय फाइव इज ऑल्सो अनादर मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन थ्री फाइव बाय सेवन, दीज ऑल आर मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये आपको क्या ध्यान में रखना है इसमें, कि एक आपका इंटीजर रहेगा, ये जो टू दिख रहा है वहां पे, ये टू क्या हो गया, इंटीजर हो गया, और थ्री बाय फोर क्या हो गया, फ्रैक्शन। तो इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों मिलके बना है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों।